शांति प्रसन्नता संतुष्टता का दर्पण है, संतुष्टता संपन्नता का दर्पण है, संपन्नता संपूर्णता का दर्पण है, और संपूर्णता और पवित्रता पर्यायवाची शब्द है। बाबा ने हमको क्या दिया है इस सत्य पर विचार करें और बाबा ने हमको जो दिया है उसको अनुभव करें, तो हम आत्माओं को कभी भी अप्रसन्नता अर्थात अप्राप्ति की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा पिता ने हमको जन्म लेते ही सर्व प्राप्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार दिया है। परंतु विडंबना यह है कि हम दूसरों की प्राप्तियों को देखकर अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हैं और जीवन में अप्राप्ति अर्थात अप्रसन्नता का अनुभव करके दुखी होते रहते हैं। इसलिए प्यारे ब्रह्मा बाबा ने कहा है, तुम्हारी आंख दूसरों की कमाई में नहीं जानी चाहिए, तुमको अपनी कमाई करनी है और उसका सुख लेना है। दूसरों की प्राप्तियों को देखना देहाभिमान की निशानी है और देहाभिमान आत्मा की कमी अर्थात अप्राप्ति अर्थात अपूर्णता का प्रतीक है। कोई भी आत्मा देह सहित देह के संबंधों से बुद्धि निकाल कर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए तो संपूर्णता अर्थात प्रसन्नता अनुभव अवश्य करेगी। बाबा ने ये भी कहा है, ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान आचरण और ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के समान स्थिति। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म में ही आत्मा संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण होती है, ब्रह्मचारी अर्थात परमधाम निवासी, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा ने अथक पुरुषार्थ किया है और बच्चों के सामने आदर्श रूप बने हैं। तो 22 जनवरी 1970 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, थोड़े समय बाद हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो, उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज और वर्तमान समय के अनुसार को देखते रहते हैं। और फिर 13 मार्च 1986 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है, इच्छा कभी भी सदा संतुष्टता का अनुभव करने नहीं देती। 15 दिसंबर 2004 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, संतुष्टता मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है और परमात्मा का परम उपहार है। फिर 8 मई 1973 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, सभी से बड़े थे बड़ा खजाना तो बाप मिला, पहले नंबर का खजाना तो ये है ना। जैसे किसी को खजाने की चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया। संगम युग का समय भी बहुत बड़ा खजाना है, किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। अव्यक्त बाप दादा के 8 मई 1973 के महावाक्य है, अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं है। अब सर्व खजाने दूसरों के प्रति लगाने का समय है, दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों से संपन्न होने का अनुभव करेंगे। फिर 13 अप्रैल 1973 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य,
हर संकल्प और हर सेकंड विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्णता भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।